हमारे शरीर में क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं। पहले क्या कहते हैं, महाभूतान के शरीर में पंच महाभूत होते हैं। किसी को पता है पंच महाभूत कौन से होते हैं जिससे हमारे ये शरीर मिलके बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको क्या बोलते हैं? पंचभूत बोलते हैं। ठीक है, इंद्रियाणि दशय कवच, दस प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, उत्सर्जन तथा विसर्जन की दो इंद्रियां, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं पंचेन्द्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर मतलब इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स। आंख का ऑब्जेक्ट क्या है? रूप, कोई भी दृश्य जो हम सीन जैसे बोलते हैं। कान का साउंड यानी शब्द, नाक का गंध यानी खुशबू या कोई, और आंख का नाक त्वचा, त्वचा का ऑब्जेक्ट क्या है? स्पर्श, और उसके बाद रसना, रसना का ऑब्जेक्ट क्या है? टेस्ट, कोई भी स्वाद। तो ये पांच जो है पंचेन्द्रिय गोचरा, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच महाभूत और पांच इंद्रियों के विषय, ये कितने हो गए? 20 हो गए। और उसके बाद क्या है, भगवान कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये तीन हो गए तो 23 हो गए। जब मन आ गया तो फिर उसके अंदर फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स क्या है, भगवान कहते हैं इच्छारेश सुखम दुखम संघात चेतना धृति, विकार होते, इमोशंस मन से आते हैं, कभी हम इच्छा करते हैं। मन के तीन काम है, कौन से हैं? इच्छा करना, फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग, सोचना, इच्छा करना और चाहना, कोई वस्तु को चाहना, ये इमोशंस हैं हमारे अंदर होते हैं। सुख होता है कभी, कभी दुख होता है, कभी हम बहुत आनंद में होते हैं, कभी परेशान होते हैं। ये मन हमें संगत चेतना धृति होता है, ये भगवान कहते हैं ये सारी विकार हैं, ये सारी चेंजिंग्स हैं जो कि एक शरीर के अंदर आती हैं। क्षेत्र समझ में आ गया, क्षेत्र ये शरीर है। अभी श्लोक नंबर 6 और 7 में हमारे शरीर किस किस वस्तुओं से बना गया और उसके अंदर क्या क्या विकार है, इमोशंस है, उसके बारे में बताया।